हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी एक कटोरी सूजी से बने नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नाश्ता बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। तो सुबह की भाग दौड़ में आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हो। बच्चों के टिफ़िन का बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, तो एक बार ट्राई करिएगा। चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है। पतली मोटी कोई भी सूजी आप ले सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे बैटर ग्राइंड करके तैयार करना है ना, तो यहाँ पे आप कोई भी सूजी का यूज़ कर सकते हो। तो सूजी को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और यहाँ पे हम हाफ कटोरी दही ले लेते हैं। उसी कटोरी का यूज़ करेंगे जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया था। तो यहाँ पे जो दही है हमारी, वो घर की जमी हुई है, पतली दही है, तो उसमें बहुत सारा पानी है दही का, तो मैंने उसी पानी को डाल करके इसे पतला कर लिया है। आपके पास अगर दही थिक है ना, तो आप आधी कटोरी दही लीजिएगा और अलग से पानी डाल के उसे पतला कर लीजिएगा, लगभग एक कटोरी मतलब बना लीजिएगा। और यहाँ पे अगर बटर मिल्क हो तो यहाँ पे आप बटर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो दही की जगह पे। एक चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हो स्मूथ सा बैटर हमारा सूजी का तैयार हो चुका है। नाश्ते का जो बैटर है ना, वो हमें मतलब बिल्कुल जैसे कि अक्सर हम लोग इडली वगैरह बनाते हैं ना, तो जैसा उसका बैटर होता है इडली का, सेम वैसा ही बैटर हमें इस नाश्ते का चाहिए होगा। तो जिस मेज़रमेंट से मैंने इस नाश्ते को बनाया है, आप भी उसी मेज़रमेंट का मतलब यूज़ करिएगा, तो आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मतलब कहने का ये है कि पानी वगैरह ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा, नाश्ता हमारा परफेक्ट नहीं तैयार होगा। तो यहाँ पे इसी बैटर में हम यहाँ पे डाल देते हैं हाफ टी स्पून जीरा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अच्छे से जीरा और नमक डालने के बाद बैटर को मिक्स कर लेते हैं। लगभग एक मिनट हम बैटर को मिक्स करते हुए इसी तरीके से फेंट लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट है, इसमें हमें बिल्कुल भी पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं इनो फ्रूट सॉल्ट। तो मैं यहाँ पे इनो का यूज़ कर रही हूँ, आप सोडे का यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून ही इनो डालेंगे और अच्छे से इनो डाल करके बैटर में मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अभी मैं ये नाश्ते को बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इनो डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा रुक करके मतलब नाश्ता बनाना है ना, तो आप तुरंत से इनो मत डालिएगा। इनो आप तभी डालिएगा जब आपको नाश्ता बनाना हो। तो मैं तो इस नाश्ते को अभी बनाने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हो नाश्ता बनाने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो मैंने एक छोटी कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है, क्योंकि इस नाश्ते को हम डायरेक्ट यहाँ पे पकाने वाले हैं, किसी भी स्टीम वगैरह में नहीं पका रहे हैं। तो गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, स्लोली स्लोली हमें इसे पकाना है। तो अभी जो कढ़ाई है, कढ़ाई को हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बने, मतलब बिल्कुल भी चिपके नहीं, टूटे नहीं। तो अच्छे से हमने कढ़ाई को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच, जो दाल निकालने वाला चम्मच होता है ना, उससे हम 1.5 चम्मच बटर यहाँ पे कढ़ाई में इस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। तो बैटर को आप डायरेक्ट सेंटर में ट्रांसफ़र करिए, वो अपना शेप खुद ही ले लेगा, जिस भी हिसाब से आपका बर्तन होगा ना। कहने का मतलब है कि पैन कढ़ाई जो भी जितना बड़ा होगा, उसी के हिसाब से वो अपना साइज ले लेगा। तो बस हमें बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। यहाँ पे आप अपने पसंद के अनुसार कुछ वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी धनिया और हरी मिर्च का ही यूज़ किया है। एक स्लाइस मैंने टमाटर की कट कर ली है, राउंड शेप की, और कुछ टमाटर को मैंने छोटा छोटा सा कट करके इस तरीके से डाल दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है पूरे नाश्ते में, और अच्छा सा तीखा चटपटा सा हमारा नाश्ता तैयार हो, इसके लिए मैंने हरी मिर्च डाल दी है। आप यहाँ पे रेड चिली का भी यूज़ कर सकते हो ग्रीन चिली की जगह पे, लेकिन ग्रीन चिली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए मैंने ग्रीन चिली का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं इस नाश्ते में सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाल देती हूँ। रेड चिली डालने से क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और तीखा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो नाश्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का यूज़ किया, तो बहुत ज़्यादा मैं रेड चिली पाउडर नहीं डालूंगी।
और बस सारी चीज़ें डालने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, लीड लगा देते हैं और लगभग सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हम इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हो 1 से 1.5 मिनट के बाद आप लीड को हटा के देखिएगा तो ऊपर का जो साइड है ना वो बिल्कुल ड्राई सा हो गया होगा, तो आप इसे पलट दीजिएगा, मतलब ऊपर की साइड भी पका लीजिएगा जिधर के हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा सा ऑयल मतलब डाल देंगे जिससे कि नाश्ता चिपके नहीं, और इसे पलट करके भी हम दोनों साइड से पका लेते हैं। बस इसे भी हम 1 मिनट के लिए पलट के ढक देते हैं, ढक करके 1 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, हम इसे वापस से ओपन करेंगे और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब फूला फूला सा सॉफ्ट सा हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। तो एक तो मैंने बना करके तैयार कर लिया है, इसी प्रकार से हम दूसरा नाश्ता भी बना करके तैयार कर लेंगे। वापस से हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और बैटर को 1 से 1.5 चम्मच बैटर डाल देते हैं। वापस से हम वेजिटेबल्स डालेंगे अपने पसंद के अनुसार और इसे ढक करके 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। दोनों साइड से हम लगभग 1-1 मिनट 1.5 मिनट पका लेंगे और परफेक्ट हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स सूजी का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन करके बिल्कुल रेडी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।